टुडे विल स्टार्ट योर पोएम झांसी की रानी. इट हैज रिटन बाय सुभद्रा कुमारी चौहान. भारत अंग्रेजों के हाथ परतंत्र हो चुका था. भारतीय गुलाम थे और 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद भारत के राजाओं, भारत जितने राजाएं थे, सभी राजाओं के मन में अंग्रेजों को भारत से भगाने की सोच जागृत हुई, जिसके कारण भारत के सभी राजाओं ने अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए संकल्प लिया. और उस संकल्प के बाद भारत के सभी राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किए, क्रांति आई. और उस क्रांति को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ा रही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. इस कविता में लक्ष्मीबाई की वीरता, चरित्र, भावना, ये सब के बारे में व्यक्त किया गया है. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. सिंहासन हिल उठे अर्थात जितने राजा राजवाड़े थे, सभी राजाओं ने अंग्रेजों से भारत को मुक्त करना चाहते थे. फिरंगियों से भारत को मुक्त करने की सोच सभी राजाओं में जाग उठी थी. बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. जो बूढ़ा भारत था वो परतंत्र था, गुलाम था. उस परतंत्र भारत में नई जवानी आई थी, अर्थात भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता, राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति आदि संचार धीरे धीरे हो रहा था, जिसके कारण भारतीय और भारतीय राजाओं ने, सामंत राजाओं ने भारत को पूर्ण रूप से अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के लिए मन में दृढ़ निश्चय कर चुके थे. गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. सभी भारतीय राजा और भारतीय लोग जो आजादी, जो स्वतंत्रता हम खो चुके थे, उसके महत्व को धीरे धीरे समझ रहे थे. उस आजादी के महत्व को सभी भारतीय और राजाओं ने धीरे धीरे समझना शुरू किया. जब समझना शुरू किया तब ये लोग इन फिरंगियों को, अंग्रेजों को इस देश से हमेशा के लिए भगाने के लिए कोशिश शुरू की. और वहीं से क्रांति शुरू हुई और वो बगावत क्रांति का रूप धारण कर लिया था. और उस क्रांति को आगे बढ़ा रही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. चमक उठी 1857 में वो तलवार पुरानी थी. 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी की जो तलवार चमक उठी थी वो तलवार पुरानी थी, अर्थात पहले से परीक्षित थी. उस तलवार के बल पर लक्ष्मीबाई पहले भी बहुत सारे युद्ध जीत चुकी थी. अब वो तलवार को दोबारा वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने म्यान से बाहर निकाल लाई थी. बुंदेले हरबलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी.
महाराष्ट्र के बुंदेलखंड के हर एक इंसान जन जन के मुंह से सुभद्रा कुमारी, कवयित्री सुभद्रा कुमारी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी थी। और वो कहानी ये थी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई मर्दांगी के साथ और मर्दों की तरह तलवार लेकर पूर्ण वीरता के साथ दुश्मनों से लड़ती थी, बिना डरे, बिना घबराए और बिना पीछे हटे। वो पूर्ण वीरता के साथ, मर्दांगी के साथ, मर्दों की तरह दुश्मनों से तलवार उठाकर लड़ती थी। और ये कहानी वहां के बुंदेलखंड के हर एक इंसान के मुंह से सुनी थी कवयित्री। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। कानपुर के जो नाना जी थे स्वाधीनता संग्रामी, नाना जी की मुंह बोली बहन थी लक्ष्मीबाई छबीली, अर्थात अत्यंत सुशील और सुंदर थी। वो सुशील और सुंदर लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना जी की मुंह बोली बहन थी, जिसे हम कर्जन सिस्टर कहते हैं। और वो अपने पिता की अकेली संतान थी, एक ही बेटी थी उनके पिता के, और कोई पुत्र नहीं था। वो अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी वही सहेली थी। लक्ष्मीबाई बचपन में नाना जी के संग खेलती थी, पढ़ती थी, और अखाड़े में नाना जी उसको तलवार चलाना, बरछी, ढाल, कृपाण ये सब चलाना सिखाते थे। और लक्ष्मीबाई गुड्डा गुड़िया के साथ नहीं खेलती थी, ये कृपाण, बरछी, ढाल, तलवार ये सब चलाना सीखती थी। और यही सबूत है कि लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। वो बचपन में इन तलवारों के साथ, बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि हथियारों के साथ खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हरबलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई की विशेषता ये थी कि बचपन में वीर महापुरुषों की जीवन कथा वो सुनना पसंद करती थी। बहुत सारे वीर महापुरुषों की जीवन कथा लक्ष्मीबाई सुनती थी। उन सारे वीर कथाओं में से छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व के द्वारा लक्ष्मीबाई संपूर्ण रूप में प्रभावित थी। और वो छत्रपति शिवाजी की वीरता का अनुसरण करते हुए, उन्हीं के द्वारा, उनकी वीरता के द्वारा प्रेरित हुए अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ताकतवर बनती जा रही थी। और शिवाजी की वीर गाथा ही उसके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। और कवयित्री का यह कहना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो वीरता की कहानी, वो बुंदेलखंड के जन जन के मुंह से, हर एक व्यक्ति के मुंह से वीरता की कहानी सुनती थी। और उसी कहानी से प्रेरित होकर कवयित्री कहानी, ये कविता लिखी है कि मर्दांगी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तलवार उठाकर मर्दों की तरह दुश्मनों के साथ बेखौफ होकर लड़ाई करती थी। और वही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। नेक्स्ट कवयित्री कहती है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, यह स्वयं वीरता का अवतार देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। भारतीय संस्कृति के अनुसार भारतीय नारी को दो रूपों में देखा जाता है। जब वो शांत रहती है तब उसे धन की देवी लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है, जब वो उग्र रूप धारण करती है
तब उसे दुर्गा के रूप में देखा जाता है। कवयित्री का यह कहना है धन की देवी लक्ष्मी और उग्र की देवी शक्ति की देवी दुर्गा दोनों का प्रतीक लक्ष्मीबाई ही थी। जब शांत रहती थी तब लक्ष्मी का अवतार धारण करती थी और जब उग्र होती थी तब दुर्गा का अवतार धारण करती थी। अब ये बात अलग है वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी ये तो पता नहीं, लेकिन भारतीय नारियों के लिए वो वीरता का अवतार जरूर थी। और लक्ष्मीबाई म्यान से तलवार उठाकर घोड़े के ऊपर बैठकर जब मैदाने जंग पर युद्ध लड़ती थी उसकी वीरता को देखकर मराठा लोग पुलकित हो जाते थे, अर्थात प्रसन्न हो जाते थे, थ्रिलिंग जिसको कहते हैं, रोमांचित हो जाना। मराठी की एक लड़की लक्ष्मीबाई जब पूरे मर्दांगी के साथ तलवार उठाकर अश्व के ऊपर घोड़े के ऊपर बैठकर जब मैदान जंग पर युद्ध करती थी उसके युद्ध कौशल देखकर मराठे लोग गर्भ में पुलकित हो जाते थे, उनका सीना चौड़ा हो जाता था, वे लोग अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर। लक्ष्मीबाई की वीरता की सूचना बचपन से ही प्राप्त हो गई थी। बचपन में जब लक्ष्मीबाई एक वीरांगना की तरह तलवार कृपाण कटारी ये सब लेकर खेला करती थी तब चक्रव्यूह की रचना नकली युद्ध का अभ्यास दुर्ग तोड़ना दुर्ग तोड़कर दुश्मनों को घेरना और दुश्मनों के चक्रव्यूह को तोड़कर किले से बाहर निकलना ये सब युद्ध कौशल वो बचपन में ही अभ्यास करती थी, गुड्डा गुड़िया के साथ नहीं खेलती थी। युद्ध कौशल चक्रव्यूह का रचना करना, दुश्मनों के चक्रव्यूह से बाहर निकलना, दुर्ग तोड़कर अंदर दाखिल होना, किले से फिर बाहर आना, ये सब उसके प्रिय खिलवाड़ थे। उसके साथ साथ लक्ष्मीबाई का और एक शौक भी था शिकार खेलना, अवसर के समय वो शिकार खेलने जाती थी और यही सबसे बड़ा प्रमाण था कि लक्ष्मीबाई सचमुच बचपन से ही वीरांगना थी। और ये बात कवयित्री को बुंदेलखंड के जन जन के मुंह से पता चली थी जिसका वर्णन उसने इस कविता में की है। अंत में कवयित्री कहती है महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी भवानी, महाराष्ट्र की कुल देवी है भवानी, यहां लोग नारे लगाते हैं जय भवानी, और महादेव महाराष्ट्र की जो कुलदेवी भवानी लक्ष्मीबाई का आराध्य देवी थी, लक्ष्मीबाई भवानी की पूजा करती थी और भवानी से प्रेरित होकर दुर्गा की तरह तलवार लेकर दुश्मनों के सामने जब वो घोड़े के ऊपर जाती थी तब दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे और वे पीठ दिखाकर मैदाने जंग से भागने के लिए मजबूर हो जाते थे। और लक्ष्मीबाई की वीरता से डरते हुए दुश्मन जंग छोड़कर भाग जाते थे। और अंत में कवित्री का यह कहना है बुंदेल हरबलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात कवयित्री का यह कहना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत वीरांगना थी और पूरी वीरता के साथ वो दुश्मनों के साथ
लड़ाई करती थी और उसकी इस वीरता की कहानी कवयित्री बुंदेलखंड के जन जन के मुंह से, हर एक इंसान के मुंह से सुनी थी, जिससे प्रेरित होकर कवयित्री एक कविता लिखी थी। जिसे कहते हैं ना, जहां सारे सिर झुकाते हैं उसे मंदिर कहते हैं, जहां सारी नदियां गिरती है उसे समंदर कहते हैं, जो मैदाने जंग पर सबको मार गिराए उसी को ही सिकंदर कहते हैं। लक्ष्मीबाई भी वैसे ही एक वीरांगना थी जो अंग्रेजों के पसीने छुड़ा देती थी। और लक्ष्मीबाई जब पूरे ताकत के साथ तलवार उठाकर जब घोड़े के ऊपर जाती थी, तब अंग्रेज सेना पीछे भाग जाती थी। ये थी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी। इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट अनदर पोएम यू प्रिपेयर बिफोर द टाइम, पूंजीवादी समाज के प्रति, रिटन बाय गजानन माधव, मुक्तिबोध। पूंजीवादी समाज के प्रति विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। सो बिफोर द क्लास यू वांट्स रीड दैट पोएम पूंजीवादी समाज के प्रति, विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्माइली, बाय।